हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लासेस राजा पाकड़ पे। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है वैसे छात्राओं के लिए जिन्होंने 2020 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दी है। हाँ, तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी खास इन्फॉर्मेशन है आपको रिजल्ट को लेकर के। हाँ, तो बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन दे दो कि तीसरे चरण की लॉकडाउन 3 मई के बाद 4 मई से शुरू कर दी गई है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बार ऐसी खबर आई कि अब बिहार बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 17 मई के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इसी बीच आज की जो ताजा खबर आ रही है इसमें आनंद किशोर ने बताया है कि कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू कर दिया गया है। जी हां, 6 मई से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है सभी मूल्यांकन केंद्रों पर। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इन कॉपियों के मूल्यांकन को कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है वह 10 मई तक रखा गया है, यानी कि 10 मई तक सभी कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का। हो सकता है 2-4 दिन आगे एक्सटेंड करे, लेकिन फिर भी 15 मई तक सभी कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। और ऐसे में जो रिजल्ट की तारीख है वह मई के तीसरे सप्ताह या मई के आखिरी सप्ताह में, यानी कि मई महीने में ही आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए। जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं आपके पढ़ने वाले उनके भी शेयर कर दीजिए, है ना। और एक चीज जान लीजिए कि लॉकडाउन की स्थिति में कोविड-19 जो एक बीमारी है, महामारी बन चुकी है, इसके सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए कॉपियों का मूल्यांकन शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में अब एकदम कंफर्म रहिए आप लोग कि आप लोग का रिजल्ट मई महीने में आने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।